वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये है मेरी छोटी सी मिनी, इसको देख के प्लीज़ 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 सब लोग माशाल्लाह ज़रूर पढ़ें। इवन मेरी सारी कैट्स को देख के आप पढ़ा करें, माशाल्लाह कितनी शरारती हो गई है ये। तो आज का व्लॉग जो है ये नूर का व्लॉग है और छोटे छोटे बेबीज़ भी आप साथ देखेंगे, स्वीटी के बेबीज़। और ये माशाल्लाह हमारी नूर है और अब हम आज नूर को नहलाने लगे हैं। ओ बच्चा गया। नूर ये क्या कर रही हो? मैक्स, मिनी, और ये मेरे कपड़ों के साथ खेल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। हाँ? अपने पापा जैसी हो गई है ना। नूरी ये उतारने दो मुझे। नूरी नूरी ये आपको उतार दिया, नूली का उतार दिया। नूली हमारी बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यार से नहलाऊंगा मैं नूर को। नूर देखे, नूर कितनी रिलैक्स लेटी हुई है। और नूर को ये प्यारा सा ये हमने नया लेके आना है। अब खराब कर दिया नूर ने। मिस किसका भी नया लेके आना है? मिस किस को तो जिंदगी में जब से वो पैदा हुई हमने आज तक नहीं नहलाया उसे। अच्छा नूरी के बाद हम आपसे एक अपनी बड़ी कैट की स्टोरी शेयर करेंगे, उसका नाम हैजल है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़े मजे की स्टोरी है, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह छोटा बेबी, छोटा सा बेबी, छोटा सा बेबी। चले जी नूर अब जा रही है वॉशरूम नहाने। चलो जी नूर नूर को चलो। नूर बैठो, चलो सिंक पे नहलाओगे या नीचे सिंक पे नहलाओगे? लाइट्स ऑन नहीं है सिंक में। चले मिस नूर, मैं नूर का टॉवल उठा लूं। ये रहा जी नूर का टॉवल, पिंक कलर का प्यारा सा। ये नूर का टॉवल है और नूर अपना हाइकी फुजैल है। आप ऐसा करो ना, इसके सर पे पानी कैसे डालोगे? डब्बा ले लो सर, पैंट ले सबसे। अभी नूर असली नूर तो अब निकलेगी। नूर की आवाजें सुन रहे हैं? मिस नूर अब प्यारी प्यारी हो जाएंगी। ये पानी ना बिल्कुल नॉर्मल है, ना ठंडा है ना गर्म है, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा धूप है। आपने गर्म पानी से भी नहीं मिलाना, नॉर्मल पानी होना चाहिए। ये नूर का साबुन है और का सोप है बायलाइन का। और बहुत सारे लोग कहते हैं इसकी झाग नहीं बनती, तो जो कैट्स और डॉग्स वाले शैंपूस होते हैं ना या सोप होते हैं उनकी झाग नहीं बनती होती। इनके कैट्स के जो स्पेसिफाइड शैंपू सोप्स होते हैं इनकी झाग कम बनती और ना इनकी खुशबू होती है, क्योंकि कैट्स को जो है अपनी खुशबू से एलर्जी होती है। कैट्स को आपने जो इंसानों के शैम्पू होते हैं शैम्पू से उससे नहीं नहलाना, इसका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। आपने जानवरों वाले शैम्पू से या सोप से ही नहलाना है जो जानवरों पे यूज किया जाता है। ये जो इनके शैम्पूज होते हैं ना ये होते हैं पैराबेन और सल्फेट फ्री होते हैं। देखिए मैंने कितना सारा लगा लिया पर झाग नहीं बन रही। नूरी इतना गुस्सा नूरी अब नूर की बॉडी वॉश हो रही है, अच्छी तरह सोप लगा के क्लीन कर दी है। हमने अभी इसका फेस नहीं किया, फेस को बाद में करेंगे। अगर स्टार्टिंग में फेस कर दें ना तो कैट्स या किटन्स जो होते हैं ना वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए आपने सर पे बिल्कुल पानी नहीं डालना स्टार्टिंग में।
ये देखें नूर अंदर से क्या निकली है। नूर ये देखो आपका सोंग छोटा सा। नूर को देखें अंदर से क्या निकली है। हड्डी नहीं होती जैसे हड्डी की तरह का सांप बोल रहे नूर छोटा सा। इतना गुस्सा नूर इतना गुस्सा। ओए नूर मुझे मार दिया। बस नूर को ना बस इतना ही मुंह गीला करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, और ये जो इसका गन लगा हुआ है ये किसी टिश्यू वगैरह से उतार लेंगे। नहीं थोड़ा सा हाथ गीला करो, हाथ से भी उतरेगा। फिंगर गीली कर करके साफ करो ना, जितना आप कर सकते हो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। असल नूर हमारी नूरी आ जाओ भाई आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ अब छोटे बच्चों की बारी है और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम नहाने लगे हैं। ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के होने वाले हैं लेकिन मजबूरी है, इनको डायरिया था। ये पीछे से देखें कितने गंदे हुए हैं तो इसलिए इनको हम लोग नहला रहे हैं। मेडिसिन दी थी डायरिया तो रुक गए लेकिन अब गंदे हुए हैं तो क्लीन करना। और ये लाइफ में फर्स्ट टाइम नहाने लगा है छोटा मैक्स। इसी तरह से हम लोग तीनों छोटे बच्चों को नहला देंगे और फिर आपको नूर की और बच्चों की फाइनल लुक दिखाएंगे। अब आपकी बारी है मिनी, चलो आ रही है बड़े आराम से। अब हम लोग नूर को साथ साथ ब्रश करे हैं और ड्राई करे हैं ड्रायर के साथ, और हमने ड्रायर को कूल मोड पे रखा हुआ है और हीट नहीं हम लोग दे रहे हैं, बस हवा में उसको ड्राई कर रहे हैं। और साथ साथ ब्रशिंग करने से ना जल्दी कैट ड्राई हो जाती है। और माशाल्लाह नूर के आप हेयर टेक्सचर देखें, सही ट्रिपल कोटेड पंच फेस, कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और छोटे बच्चों को भी हम लोग ड्राई कर देंगे। छोटे बच्चे तो इतने छोटे हैं ना कि 1 मिनट में ही ड्राई होंगे फौरन से। मिनी आप कितनी प्यारी लग रही है ना आके, आप इतनी फ्रेश हो दी है मिनी। ओह कब्बो से डर रही है, इसको सुनाई कैसे दे रहे हैं। अब शाम को हम नूर को और छोटी मिनी को बाइक ले आए हैं। वो देखिए कवे बैठे हैं, तो हमने सोचा चलो इनको बाहर लेके जाते हैं, थोड़ा सा इनको शूट वगैरह करते हैं इनका, क्योंकि ये फ्रेश हुए हैं ना आके। और माशाल्लाह देखिए नूर कितनी प्यारी लग रही है, और यहाँ पे ना क्रो को देख के उनके पीछे भाग जाती है कि मैं बस इनको पकड़ लूँ।
और सूजी मैडम भी हमारे साथ साथ हैं। सूजी ने अगर इसको पकड़ लिया तो वो इसको छोड़ेगी नहीं। इस व्लॉग के बाद बैक टू बैक और बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप लोग लाजमी मेरे वो नए व्लॉग्स भी लाजमी देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप देखते मुझे लोग ज़्यादा हैं लेकिन उन सब ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होता है। 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किए बगैर मुझे देख रहे होते हैं। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या मेरी कैट्स अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अपनी सिस्टर की डेथ के बाद से काफ़ी टाइम से मैंने अपने जो दूसरा व्लॉगिंग चैनल है उसके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ डालनी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, तो अब से इंशाल्लाह मैं उस पर अपने रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो अगर आपने हमारी रेगुलर लाइफ देखनी हो तो आप उस चैनल पे लाजमी विज़िट करें मेरे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, रिदा फुज़ैल व्लॉग्स के नाम से। वाह नहीं कहते, माशाल्लाह कहते हैं। ये देखें, ये छोटा मैक्स खुद ही मेरी गोद में आके बैठ गया है, कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। मैक्स की आईज फुज़ैल ऑलिव ग्रीन कलर की हैं। ये देखें जी, नूर साहिबा घोड़े बेच के सो रही हैं। नूर कितनी चमक रही है, आईज भी इसकी कितनी साफ है, पूरी बॉडी माशाल्लाह से साफ है। जब नूर सो रही होती है ना तो नूर को हम कभी भी नहीं उठाते, उसको हम सोने देते हैं। मफू भी कह रहा है किसी नहीं उठाना। मफिन मफिन मफिन, ये कौन है, ये लड़की कौन है, ये सोती चेयर पे है। मिनी मिनी की भी बेबीज आ जाएंगे, फिर मिनी का डिलीवरी ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। अब रात का टाइम हो रहा है और हम लोग ना बाहर आ गए थे वॉक करने के लिए, तो सोचा आज नूर का ही ब्लॉग शूट करें, तो नूर को भी अपने साथ वॉक पे ले जाते हैं। और जैसे ही हम लोग घर से निकले तो फौरन से लाइट भी चली गई। ओए अभी तो हमारी जान, देखें इनकी आंखें किस तरह चमक रही हैं, रात के टाइम इनकी आंखें चमकती है ना डॉग्स की या कैट्स की। हाँ नूरी को इस पे बिठाओ, नूर बहुत ज़्यादा खुश है रात के टाइम, रात का टाइम और नूर बहुत खुश है। तकरीबन इस टाइम 10:30 बज रहे हैं। ये भी बहुत इंजॉय कर रही है जैनी। नूर का डिनर टाइम है, नूर बिस्किट्स खा रही है और नीचे देख यहाँ पे बिस्किट्स खा रही है, और नूर दिन में एक दफा जो है चिकन और सूप भी पीती है। वो थोड़ा देना है चिकन, उसमें मैश करके देना है, शेड मतलब करके देना उसको, उसमें स्टॉक भी हो, ये ना हो, ये ना, ये नहीं करना कि आपने उसको पूरा यखनी से भर देना और चिकन उसमें हो ना, ऐसे नहीं करना।
चिकन हमने ज्यादा रखना है, यखनी कम रखनी है? और कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी में यखनी कैट्स को नहीं देनी चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारा स्कूबी खाता ही चिकन और यखनी है। तो हमने अभी बच्चों को खाना दे दिया है, अब हम लोग स्कूबी को खाना दे रहे हैं। और बच्चों को खाना देते हुए मेरे माइंड में एक बात आई, किसी ने कमेंट किया था कि कैट्स जब बिस्किट्स खाती हैं तो उनके स्टूल्स में ब्लड क्यों आता है। तो ब्लड आने के टू रीजंस होते हैं। वन रीज़न ये होता है कि बिस्किट्स खाने से कैट के अंदर हीट पैदा हो जाती है, जिस वजह से हीट की वजह से ब्लड आ रहा होता है स्टूल्स में। और सेकंड रीज़न ये होता है कि कैट्स जब भी बिस्किट्स खाती हैं तो मोस्टली कैट्स क्या करती हैं, उसको चबाती नहीं है, वो बस ऐसे पूरा पूरा है ना उसको स्वेलो कर रही होती हैं, निगल लेती हैं, जिस वजह से उसकी जो कैट्स की जो इंटेस्टाइंस जो होती हैं उनमें रैश आ जाता है और उस वजह से ब्लीडिंग होती है। तो इसीलिए आपको प्रेफर किया, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप कैट्स को, अगर आपकी कैट्स भीगे हुए बिस्किट्स खाती हैं तो उनको भिगो कर थोड़े से पानी में सॉफ्ट करके दें। और जो कैट में हीट बन जाती है तो उसके लिए कैट्स को वीक में एक दफ़ा दही लास्ट में खिलाया करें बगैर चीनी के, दही कैट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आज का ब्लॉग जो है वो नूर का ब्लॉग था। तो नूर के बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहती थी कि कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं कि आपके पास सारी ना डॉल फेस कैट्स हैं तो नूर किसकी बेटी है। नूर जिगी की बेटी है। जिगी मेरा बहुत प्यारा कैट था, पंच फेस था, उसकी मदर पंच फेस थी। तो पहले मदर की डेथ हो गई थी, फिर जिगी की भी, जिगी जब 2.5 साल का था तो उस टाइम जिगी की डेथ हो गई। तो नूर जिगी की बेटी है, वो बिल्कुल अपने बाप जैसी है। मैं आपको ना जिगी की पिक्चर्स अगर मुझे अभी मेरे सेल में हुई तो मैं इसी ब्लॉग में दिखा दूंगी या मैं फिर नेक्स्ट में दिखा दूंगी आपको। तो नूर इसलिए पंच फेस है। और जब नूर पैदा हुई थी ना तो नूर के साथ ना दो उसके और भाई भी पैदा हुए थे, वो दोनों का साइज़ ठीक था, वो बड़े थे लेकिन वो पंच फेस नहीं थे। तो नूर जो थी ना वो बचपन से ही बहुत छोटी थी। और हमारे साथ ऐसा हुआ है कि एक दो दफ़ा हमारे ऐसे ही ना छोटी छोटे किटन्स पैदा हुए हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ प्रॉपर होती नहीं है ना माँ के पेट में, तो उनकी डेथ हो जाती थी कुछ टाइम के बाद, एक दो महीने के बाद। जब नूर पैदा हुई तो नूर इतनी छोटी सी थी पंच फेस, बहुत क्यूट थी, पर वो इतनी छोटी थी हमें डर लगता था कि बस अब नूर की भी डेथ हो जाएगी। इवन हमने अपना माइंड भी बनाया हुआ था, क्योंकि हमें था कि हमारी कोई कैट ऐसे नहीं बचती है तो ये भी हमारी नहीं बचेगी। लेकिन अल्लाह ताला का लाख 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 शुक्र है, इस टाइम नूर माशाल्लाह 10 मंथ्स की हो चुकी है और बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। यहाँ तक कि मेरे मोंकी डोरा जब बीमार हुए थे तो उनको जॉन्डिस हो गया था। तो कभी मैं मोंकी डोरा के ऊपर भी आपको बताऊंगी कि उनको क्या हुआ था, किस वजह से उनको जॉन्डिस हुआ। तो नूर उन दोनों के साथ रहती थी, फिर भी नूर को जॉन्डिस नहीं लगा, हालांकि जो जॉन्डिस है वो एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नूर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनाई है। नूर वैसे छोटी है लेकिन इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।